आज हम लोग देखते हैं एक नंबर सिस्टम में एक नंबर है 10 फैक्टोरियल, जिसका कि एक रिलेशन है हमारे लाइफ से। देखते हैं पहले कि 10 फैक्टोरियल होता कितना है। ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 10 फैक्टोरियल दिस इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस वैल्यू को हम कैलकुलेटर में पहले निकाल के देखते हैं कि ये होता कितना है। तो 10 फैक्टोरियल इज 1 0 एंड दिस इज द फैक्टोरियल साइन, सो 36,28,800। ये होता है 36,28,800। तो 10 फैक्टोरियल सेकेंड्स कितना होता है? 10 फैक्टोरियल सेकेंड्स, ठीक है, इसको हम लोग चेंज करते हैं, पहले देखते हैं ये कितना मिनट होता है। तो 60 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले, तो इससे पता चलेगा कि कितना मिनट सही है। तो 60 से डिवाइड करने के लिए 10 डिवाइड हो गया और 3 एंड 2 डिवाइड हो गया, 1 को भी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इतना मिनट हो गया, राइट। अब देखते हैं कितने घंटे हैं ये, फिर 60 से डिवाइड कर दिया, राइट। अब देखते हैं 5, 4, 20 हो गया, और ये 3 नहीं है हमारे पास, 20 into 3, तो इस 9 को 3 कर दिया हमने और इस 60 को, तो इतना घंटा, इतने आवर्स हैं हमारे पास। अब देखते हैं कि एक दिन में कितना घंटे होते हैं, 24s, ठीक है, तो 8 into 3। अब देखते इतने दिन हैं, अब देखते हैं कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, तो 7 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 7 है, तो इसका मतलब हो गया कि 6 सप्ताह, दिस 6 वीक्स। 10 फैक्टोरियल सेकेंड्स मीन्स 6 वीक्स, ठीक है, एग्जैक्टली 6 वीक्स। अब हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, रिवर्स में मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना होता है। 6 वीक्स एक वीक में होते हैं 7 डेज, फिर एक दिन में होता है 24 आवर्स, फिर 60 मिनट्स एंड इंटू 60 सेकेंड्स, दिस इक्वल टू। तो अभी इसको कैलकुलेटर में हम लोग फिर से कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये कितना होता है। 6 into 7 into 24 into 60 into 60, दिस इक्वल टू एग्जैक्टली 36,28,800। ये एग्जैक्टली होता है 36,28,800। तो 10 फैक्टोरियल का रिलेशन क्या है? 10 फैक्टोरियल का रिलेशन ये हुआ कि जब आप अपने बचपन में, आपको स्कूलिंग के टाइम पे जब छुट्टी मिलती थी 6 वीक्स की, तो आपको वो कम लगता होगा, लेकिन अब आप उसको ऐसे सोच सकते हैं कि आपकी छुट्टी 10 फैक्टोरियल सेकेंड्स इतनी लंबी थी। ये बहुत ही लंबा टाइम है 10 फैक्टोरियल सेकेंड्स। अगर आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा यूनिक फैक्टोरियल्स और कोई ऐसा यूनिक नंबर है जिसका एक स्पेशल रिलेशन या कुछ ऐसा यूनिकनेस उसमें हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए।